तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश उपाध्याय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मंथन नई मुंबई में। दोस्तों, हमारी कोशिश है कि नई मुंबई में होने वाली हर सामाजिक कोई संस्था द्वारा या व्यक्तिगत रूप से की जाने वाली जो प्रवृत्ति है उसको आप तक पहुँचाए, ताकि आप उससे जुड़ सके, उसका लाभ ले सके। आज हम आए हैं पावणे गाँव के प्रसिद्ध पुराणिक शिव मंदिर में, जहाँ पर यहाँ जयंबे मित्र मंडल के द्वारा रामनवमी के उपलक्ष में एक अखंड रामायण और कुछ यात्रा का ये किया गया है। तो हमारे साथ यहाँ के मार्कंडेय जी हैं, जो इस पूरे जयंबे मित्र मंडल के साथ सालों से जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर। सर, यह जयंबे मित्र मंडल द्वारा आयोजित श्री रामायण प्रचार समिति, हम लोगों ने इसका स्थापना किया और ये हमारा ये 25वां वर्ष है। इस वर्ष में हम लोग एक इसके साथ यात्रा भी जोड़ दिए हैं कि राम जन्मोत्सव यात्रा भी अभी निकाली जाएगी, और यह हम लोग विगत वर्षों से करते आ रहे हैं। धर्म के प्रति, लोगों के सद्भावना के प्रति और भी समाज हित के लिए जितने सारे कार्यक्रम होते हैं, सारे कार्यक्रम हम लोग जयंबे मित्र मंडल से मिलजुल के उसी के देख रेख में ये सारे कार्यक्रम करते हैं। और हमारे यहाँ जो भी हमारे अतिथि और जो भी सारे लोग आए हैं, उनको इस कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जो स्नेह प्रेमों लोग का आज हम लोगों के प्रति है वो सदा बना रहे, वो लोग ऐसे ही आते रहें हम लोगों के सम्मान में और आशीर्वाद दे के जाएँ, यही हमारी मनोकामना है। जयंबे मित्र मंडल कोई नाम की मोहताज नहीं है, क्योंकि जैसे कहा कि पिछले 28 सालों से लगातार जनसेवा का कार्य ये मंडली करती जा रही। जयंबे मित्र मंडल से आप जुड़े हैं, आप पधारे हैं, आपके क्या कहना है? जैसे कि आपको पूर्व अध्यक्ष श्री मार्कंडेय केवड़ जी ने बताया कि पिछले 28 साल से निरंतर ये दोनों नवरात्र, चैत्र नवरात्र और अपना शारदा नवरात्र में, मतलब कि लगातार ये धार्मिक काम के साथ साथ सामाजिक कार्य भी मतलब कि जोर शोर से मतलब कि करते रहते हैं। और आज इस वर्ष इन्होंने जो भगवान प्रभु राम की शोभा यात्रा निकालने का काम किया, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि आज देख रहे हैं कि हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सामने अयोध्या मंदिर का कार्य पूरा होने जा रहा है। ये तो पूरा वातावरण ही पूरा भारत का, हम बोले मतलब विश्व मतलब कि राममय हुआ है, और इसलिए जो आज इन लोग ये पुण्य का काम कर रहे हैं उसके लिए जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। हम तो यही बोलेंगे जयंबे मित्र मंडल के साथ हमारी पूरी टीम उनके हमेशा साथ रही है और आगे भी रहेगी। जयंबे मित्र मंडल के तरफ से जो भी यहाँ कार्यक्रम हो रहा है उसका मार्कंडेय जी निखर हैं, ये हमारे बहुत पुराने दोस्त भी हैं, इसके लिए इनको लाख लाख मैं बधाई देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे साथ नवी मुंबई के जाने माने पत्रकार सुधीर शर्मा जी जो है यहाँ उपस्थित है, ये पत्रकार के नाते नहीं आए, जयंबे मित्र मंडल के दोस्त के रूप आपसे सहायक के रूप में आए हैं। और मैं अभी एक नई शुभकामनाएं देना चाहूँगा, मुझे बहुत खुशी हो रही बताते हुए कि दैनिक भास्कर, जो विश्व प्रसिद्ध मतलब भारत में पूरा प्रसिद्ध एक दैनिक है, उनके ये महाराष्ट्र गोवा इनके अभी अभी ये प्रभारी बने हुए हैं, पूरे ब्यूरो चीफ बने हुए हैं। सुधीर जी, बहुत बहुत शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसे कि आप जानते हैं कि जयंबे मित्र मंडल पिछले 25 सालों से लगातार सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में अग्रणी रहा है, और उसके जो संचालक रहे हैं मार्कंडेय केवट हरिओम जी और अजय कृष्ण तिवारी जी, इनके मार्गदर्शन में निरंतर जो है सामाजिक कार्यों के प्रति जो भावना रही है जयंबे मित्र मंडल की, वो पूरा सर्वविदित है। नवम्बई में मुझे लगता है इससे बढ़िया जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है दूसरा कोई और इस तरह का सामाजिक संगठन नहीं करता है, तो निश्चित तौर पर ये सराहना की बात है। और आज जबकि आज रामनवमी है और भगवान श्री राम की पूरे विश्व में पूजा प्रार्थना हो रही है, और ऐसे अवसर पर इन्होंने पूरे पावना वासियों को और खासकर नवम्बईकरों को, ना सिर्फ पावना के लोग इसमें हैं, पूरे नवम्बईकरों को साथ में जोड़ने का उन्होंने काम किया है। और इसके माध्यम से जो आज शोभा यात्रा उन्होंने जो निकाली है भगवान राम की, वो भी अद्भुत है, अनूठी है, और सब पूरा जो पनवेल, ये जो पावने नगरी है, वो इसी बहाने राममय हो गई है, भक्तिमय हो गई है। तो ये जयंबे मित्र मंडल की ही एक कोशिश रहती है इस तरह के सबको सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों के, धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए जोड़ने की कोशिश की जाए, और इस कोशिश में साफ तौर पर सफलता दिख रही है। मैं व्यक्तिगत तौर पर और अपने TV1 इंडिया के तौर के जरिए, दैनिक भास्कर के जरिए, अनन्य भारत के जरिए और अपने पूरे सकल हिंदी भाषी समाज के की ओर से, मैं जो संचालक हैं जयंबे मित्र मंडल के, अजय कृष्ण तिवारी जी अध्यक्ष और उसके मार्गदर्शक मार्कंडेय केवट हरिओम जी और पूरी टीम को,
मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और मैं आज के दिन भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा सबके ऊपर बनी रहे, सब लोग आनंद और खुशहाली के साथ ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहे। बहुत हमारे साथ और नई मुंबई की जानी मानी शख्सियत कह सकते हैं, बहुत ही प्यारे समाज सेवक हैं विनोद उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, वो भी यहाँ पधारे हैं। आज के इस आयोजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रामनवमी, आज भगवान राम का जन्मदिन है, इसके साथ साथ हम नवरात्रि का आज नवमी का हवन होता है, उसके साथ कन्या भोज यहाँ पे चालू है। पौना एक ऐसी धरती है जिसको हमारे नॉर्थ में बोलते हैं पावन, पावन मतलब यहाँ पे जो भी आता है इतने प्यार से उसका सम्मान होता है कि सबका दिल बसता है यहाँ पे। और आज भगवान का जन्मदिन है, हनुमान जी का जन्मदिन आने वाला है, हम सब बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। आज पूरा मुंबई भगवामय हो गया है, ऐसा लग रहा है कि क्या त्यौहार, क्या लोगों के चेहरे। तो आप सभी को रामनवमी के हार्दिक शुभकामनाएं, जय श्री राम। तो हमारे साथ यहाँ पर एक एनजीओ आया हुआ है, एनजीओ के पूरे ट्रस्टीगण यहाँ पधारे हुए हैं जिस सेवा में भाग देने के लिए। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम, कौन से एनजीओ से हैं? जी मेरा नाम है जितेंद्र ठोर मलानी, टोनी के नाम से जानते हैं। हमारा एनजीओ है वुमन पावर एंड सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन। ये सब हमारे एनजीओ के मेंबर्स हैं, हाई प्रोफाइल। यहाँ पे सॉरी आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द ग्रुप, राम जय अम्बे, हाँ सॉरी, जय अम्बे मित्र मंडल की तरफ से आज हमको इन्विटेशन मिली थी ऑफिशियली। तो रामनवमी के अवसर पर, पावन अवसर पर हम यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं। काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रखा है उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। एक रिलीजियस फंक्शन अटेंड करने में जो सुकून मिलता है मन को, वो आज फीलिंग आई है। सब मेंबर्स मेरे यहाँ पे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, राजेश राय जी हैं, पूरी टीम है, वो काफ़ी अच्छा लगा। एंड प्रसाद भी खाया हमने और इन्होंने हमारा स्वागत किया, फॉर दैट वी आर थैंकफुल टू देम एंड थैंक्स टू यू फॉर टेकिंग अस अवर वीडियो बाइट्स। एंड जय श्री राम, जय श्री राम, एंड वी प्रमोट हिंदुइज्म। क्या कहना मैडम? जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे हिसाब से सबने हमें इनवाइट किया, सबने हमें बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि सब एक साथ हैं हिंदूज, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हम प्रमोशन चाहते हैं तो ये सब ज़रूर होना चाहिए, हर बार होना अच्छा, अच्छा है, बिल्कुल अच्छा। जयकारा सेरा वाली का बोल, राजे दरबार की जय, हर हर महादेव। हमारे साथ यहाँ पर जो पावने गांव है वहाँ के लोकल सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के बहुत हित के लिए कार्य करने वाले हमारे साथ यहाँ मौजूद है। जय अम्बे मित्र मंडल बहुत सुंदर तरीके से कार्य कर रहा है, उसके आप साक्षी हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं नई मुंबई के सभी नागरिकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और यह इस साल रामनवमी का उत्सव तो हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस साल भव्य रैली निकाली जाएगी क्योंकि अयोध्या में इस साल राम मंदिर बन रहा है। इस वजह से पूरे देश में उत्साह है और हमारे पावने गांव में भी हर घर में उत्साह है कि राम मंदिर बन रहा है, देश में राम मंदिर बनने जा रहा है। तो इस वजह से इस साल भव्य रैली का आयोजन सभी महिलाएं और बच्चे पुरुष सब साथ देंगे, सभी जाति सभी धर्म के लोग इनके साथ रहते हैं। यहाँ जय अम्बे मित्र मंडल की ओर से नवरात्रि उत्सव मनाया जाता है, 15 अगस्त मनाई जाती है और हर प्रोग्राम सामाजिक कार्य मनाया जाता है। तो मैं जय अम्बे मित्र मंडल का भी आभारी रहूँगा, उनके हर प्रोग्राम में हमको निमंत्रित किया जाता है, सम्मानित किया जाता है और हम पूरा गांव एक साथ मिलकर कार्यक्रम मनाते हैं। Thank you.
अजय अमित श्रीधाम ये भगवान।